बॉलीवुड फ्लैशबैक। नमस्कार, मैं हूँ मीनू भाटिया और बॉलीवुड फ्लैशबैक में आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसका पर्दे पर आने तक का सफर भी उतना ही दिलचस्प था जितनी कि वो कहानी पर्दे पर हमें दिलचस्प लगी। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर इंडिया की, जो कि एक कल्ट फिल्म बन चुकी है। ये आइडिया कैसे आया? प्रमोद चक्रवर्ती साहब की फिल्म का मुहूर्त था जो अमिताभ बच्चन साहब के ऑडियो पर किया गया। वो हीरो होने वाले थे लेकिन चूंकि वो आ नहीं सकते थे इस दिन, तो उन्होंने जो मुहूर्त शॉट साउंड ट्रैक पर लिया, रिकॉर्डर में से अमिताभ बच्चन साहब की आवाज आई और आवाज तो हम जानते ही हैं। फिर वहीं सलीम जावेद को ये आइडिया आया कि क्यों ना एक फिल्म अमिताभ बच्चन साहब के साथ बनाई जाए जहां वो इनविजिबल हो। अगला आइडिया था बच्चों को इन्वॉल्व करने का, क्योंकि बच्चे ऐसे कैरेक्टर को देखना पसंद करेंगे। मुगैम्बो तो बहुत बाद में आया था। उन्हीं को जावेद साहब ने ही सजेस्ट किया कि क्यों ना शेखर कपूर मिस्टर इंडिया को डायरेक्ट करें, मगर एक वार्निंग भी दी कि आप अनिल के साथ बनाना चाह रहे हैं, सोच लो। ये फिल्म अनिल कपूर के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट थी। वो 7 दिन के बाद ये उनकी अगली फिल्म होने वाली थी इतने बड़े बजट की, जिसमें अनिल कपूर ने ज्यादातर फिल्म में दिखना भी नहीं था। इनफैक्ट कई बार उन्हें सेट पर बुलाया ही नहीं जाता था। वो सीन याद है जहां एक रेस्टोरेंट में टेबल पर मिस्टर इंडिया खाना ले जाकर बाहर गरीबों को दे देता है? उस सीन में अनिल कपूर नहीं है, उसमें संजय कपूर है, क्योंकि चेहरा तो दिखता नहीं है, तो संजय को ही अनिल के कपड़े पहना कर वो सीन शूट कर लिया गया। अब बच्चों की बात करें, आफताब शिवदेसानी, हाँ ये बिल्कुल वही है, 7 साल के थे तब। अहमद, जो अब एक जाने माने कोरियोग्राफर है, 10 साल के थे उस वक्त। और करण नाथ 4 साल के थे, जिन्हें कहा गया था कि बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, बाकी सभी बच्चों को ही फॉलो करो। मुगैम्बो, अब ये कैरेक्टर सबसे बाद में आया था जो शायद सबसे बड़ा हिट रहा इस फिल्म के लिए, और ये अनुपम खेर करना चाहते थे पहले, ऑडिशन भी दिया था, लेकिन फिर कहा जाता है कि अनिल कपूर साहब की कुछ ऐसी इंटरफेरेंस हुई कि फिर उनका ये कैरेक्टर जो था ये अमरीश पुरी के पास गया। जब फिल्म कम्प्लीट हो गई तो शेखर को ये लगा कि ये जो लाइन है ये बार बार कही गई है, तो उन्होंने एडिट कर दी कई जगहों से। जावेद साहब ने कहा कि इसे मत निकालो, ये फिल्म चलेगी, जरूर चलेगी, और ये बज़वर्ड होगा और ये कैरेक्टर और ये फिल्म दोनों ही याद रखे जाएंगे। मुगैम्बो खुश हुआ। तो फिर एक बार कहे, श्रीदेवी को उस वक्त इसलिए भी लिया गया था क्योंकि वो एक बहुत बड़ी स्टार थी और बोनी कपूर यूं भी उनके साथ रहना चाह रहे थे। उन्हें दूसरी फिल्म के लिए, याद है जिसे मैंने बताया कि बापू डायरेक्ट करने वाले थे, उस फिल्म के लिए श्रीदेवी की माँ ने 35 दिन दिए थे, लेकिन इस फिल्म के लिए तो ज्यादा दिन चाहिए थे। अब वो चार्ली चैपलिन कैरेक्टर, वो याद है जो उन्होंने प्ले किया था, इस सीन को ही शूट करने में 32 दिन लगे थे पूरे। बहुत सारे टेक्नीशियंस का बहुत बड़ा रोल माना गया, जैसे पीटर परेरा और वीरू देवगन। एक चेयर पर बैठने वाला सीन था, एक बड़ा सवाल था कि इसे कैसे फिल्माएंगे। अनिल कपूर को दिखना नहीं था, सिर्फ वो बैठने का इम्प्रेशन नजर आना चाहिए था। तो पीटर परेरा ने कैमरा रखा चेयर पर, दूसरी वाली, और सतीश कौशिक से कहा कि बैठो और प्रेशर डालो चेयर पर और फिर उठो, और कैमरा रिवर्स करने को कहा। उठने के बाद इम्प्रेशन ये आता है कि मानो चेयर जो है कोई बैठा हुआ है उस पर, और इसे फिर सीन को उल्टा करके डाला गया। तो असल में उस कुर्सी पर अनिल कपूर नहीं बैठे थे, सतीश कौशिक बैठे थे। कैलेंडर, जिसका कैरेक्टर निभाया था सतीश कौशिक ने, ये फिल्म के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे और स्क्रिप्ट में पहले फिट नहीं किए गए थे बल्कि बाद में इनके कैरेक्टर को डाला गया था, और ये नाम भी सतीश कौशिक का ही सजेस्ट किया गया था। कैलेंडर एक ऐसी फिल्म जिसे रिलीज हुए 30 साल हो चुके हैं, मगर ये हमें कल भी पसंद थी, ये हमें आज भी पसंद है। इस फिल्म को अब कल्ट स्टेटस मिल चुका है।